पति पत्नी के बीच अनबन, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आम बात है। कहा सुनी एक दूसरे की बात ना मानना भी आम बात है। गंभीर मसलों पर एक दूसरे से बात ना बन पाने पर अलग हो जाने का मामला आम है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पसंदीदा खाना ना बनाने पर पति अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने चला गया हो? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के देवास में। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड कर्मचारी और उनकी पत्नी के बीच एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी और अदालत ने उसी को आधार बनाकर उनके बीच सुलह करवा दी। देवास के रहने वाले एक शख्स बैंक प्रेस नोट पद से रिटायर हुए थे। वर्तमान में उनकी उम्र 79 साल है और उनकी पत्नी 72 साल की है। सेवानिवृत्ति का जो पैसा मिला उसे उन्होंने अपनी पत्नी को सौंप दिया। देवास स्थित मकान भी पत्नी के नाम कर दिया। उनकी सहमति की वजह से पेंशन भी पत्नी के अकाउंट में आती थी। रिटायरमेंट के 2 साल बाद उन्होंने पत्नी के सामने दरअसल सेव की सब्जी खाने की इच्छा जताई तो पत्नी ने कहा सेव ला कर दो। पति ने जब पत्नी से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि जब नौकरी में थे तब तो लाते थे, जिस पर पति ने कहा कि सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है और अब मेरे पास पैसा आखिर कहाँ है। पत्नी ने सेव की सब्जी नहीं बनाई, जिसके बाद नाराज पति अगले दिन बगैर बताए घर से चले गए और महाराष्ट्र के बुलढाणा के मातोड़ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पति ने जब अपने खाते में पेंशन का पैसा मंगाना शुरू किया तो पत्नी अदालत पहुंच गई। न्यायाधीश ने पति और पत्नी से अलग अलग बात की, जिसके बाद दोनों को अदालत में बुलाया गया। जज साहब ने स्टाफ से सेव का पैकेट मंगवाया और पत्नी से पति के लिए सब्जी बनाने के लिए कहा। दोनों साथ में घर गए और पत्नी ने सब्जी बनाकर खिलाई भी। अगले ही दिन दोनों अदालत आए और कहा कि हम साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन कैसे माना जाए कि ये सब ठीक रहेगा, ये साईं बाबा के सामने कसम खाएं तो मान लूंगा। जिस पर न्यायाधीश ने दोनों की आर्थिक मदद का इंतजाम करते हुए उन्हें शिरडी भेजा। वहां से लौटने पर 26 नवंबर को दोनों ने राजीनामा कर लिया और अब दोनों पति पत्नी साथ साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।